दोस्तों पिछले काफी वक्त से सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की डेटिंग की खबरें सामने आती रही। कहा जाता है कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कई मौकों पर सिद्धार्थ और कियारा का साथ में स्पॉट किया गया। वहीं हाल ही में शीर्षा के बाद सिद्धार्थ और कियारा की जोड़ी को लेकर फैंस और भी एक्साइटेड हो गए हैं। वो जानने को बेचैन है कि आखिरकार दोनों शादी कब करेंगे। बता दें फिल्म शेरशाह में जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया था, वहीं कियारा आडवाणी विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड चीमा के रोल में नजर आई थी। हाल ही में सिद्धार्थ ने अपनी शादी की प्लानिंग के बारे में बात की और कियारा संग सात फेरे लेने पर चुप्पी तोड़ी। मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए बताया सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कि वो शादी कब कर रहे हैं। एक्टर ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कोई ज्योतिषी या ऐसा कुछ नहीं। शादी कब करेंगे इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि शादी किससे होगी, तो शादी जब भी और जिससे भी होगी मैं जरूर बताऊंगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा से जब पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ है कि वो 40 साल के होने तक सात फेरे नहीं लेंगे, इसके जवाब में उन्होंने बोला, मुझे सच में नहीं पता, ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। मेरा मानना है कि शादी सही समय पर हो तभी सही रहता है, ज्यादा जल्दी या फिर ज्यादा लेट भी नहीं करनी चाहिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा से जब पूछा गया कि कियारा आडवाणी की क्वालिटी जो उन्हें पसंद है और ऐसी कोई एक क्वालिटी जो वो बदलना चाहेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा, एक चीज जो मुझे कियारा में बहुत पसंद है वो ये है कि ऑफ कैमरा वो एकदम अलग है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो फिल्म एक्ट्रेस है, वो बहुत ही रेगुलर और नॉर्मल है और वो क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। मैं खुद भी रेगुलर सा हूँ ऑफ कैमरा, ये बहुत ही कूल और इजी है। कि उन्होंने कहा कि कियारा आडवाणी में वो कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे, वो एक कमाल की एक्ट्रेस है। हालांकि फिर सिद्धार्थ ने कहा, एक चीज मैं जरूर बदलना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि उनके साथ एक लव स्टोरी फिल्म करना चाहूंगा। वेल, सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन बातों से क्या ही अंदाजा लगाया जा सके। वेल, खबरें तो हैं कि शीर्षा के सेट पे इन दोनों को प्यार हुआ, बातें आगे बढ़ी। अब देखना होगा और इंतजार करना होगा दोनों के अनाउंसमेंट का। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।